नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाहजहांपुर एसओजी और तिलहर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,70,00,000 रुपए बताई गई। वरिष्ठ पत्रकार और सर्वोदय किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर प्रेम शंकर गंगवार को यशस्वी किसान सम्मान से नवाजा गया। दैनिक जागरण द्वारा यशस्वी किसान सम्मान महोत्सव 2023 का किया गया आयोजन। कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका और सामाजिक उत्थान में सराहनीय योगदान देने के लिए किया गया सम्मानित। टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी ने कहा, तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के सभी सरकारी और वाणिज्यिक बिल्डिंग पर टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या को लेकर शाहजहांपुर में करणी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन। चौराहा जाम करके राजस्थान की गहलोत सरकार का पुतला फूंका। करणी सेना ने कड़ी कार्रवाई के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग की। और कुटार पुलिस ने चरस की तस्करी करने वाले नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 9 किलो से ज्यादा चरस हुई बरामद। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,93,00,000 रुपए बताई गई। तो ये तो थी अब तक की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर एसपी अशोक कुमार मीणा ने खुदागंज थाने का निरीक्षण किया। एसपी के अचानक थाने पहुंचने पर पुलिस स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एसपी ने थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मेंस और अभिलेखों का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गईं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि थाने पर शिकायत लेकर आने वाले सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया जाए। खासकर महिला अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज कुष्ठ रोगियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि यह अभियान 21 दिसंबर 2023 तक चलेगा। यहां कर्मचारी कुष्ठ रोगियों को खोजने का काम करेंगे। इस दौरान टीमें खोजी अभियान चलाकर कुष्ठ रोगियों की जांच करेंगी। कुष्ठ रोगी खोजने के लिए बनाई गई टीम में एक प्रशिक्षित महिला और प्रशिक्षित पुरुष काम करेंगे। इस दौरान कुष्ठ के प्रारंभिक लक्षणों, निदान और उपचार से संबंधित जानकारियां दी गईं। यह प्रशिक्षण जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा के द्वारा दिया जा रहा है। आज परिनिर्माण दिवस के मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा घंटाघर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर गोष्ठी की गई थी। यहां संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्रवादी नेता थे और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर आज एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तहसील मुख्यालय और उसके बाद ब्लॉक मुख्यालय के सभी सरकारी और वाणिज्यिक बिल्डिंग पर टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सहायक अभियंता लघु सिंचाई के द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा जिले में अभी तक 47 स्थल पर टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। कुटार पुलिस ने चरस की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया तस्कर नेपाल का रहने वाला लाल बहादुर घरती बताया जा रहा है। घरती को पुलिस ने बाबा चौराहे से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 9 किलो से ज़्यादा चरस बरामद हुई है। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,93,00,000 रुपये आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को जेल भेज दिया है।
महापौर अर्चना वर्मा ने आज काशीराम कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर महापौर असंतुष्ट दिखाई दी। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के सभी वार्डों में साफ सफाई को लेकर खास ध्यान रखा जाए। इस मौके पर मेयर के साथ नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी गुट ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। इस दौरान मांग की गई है कि इफको किसान सेवा केंद्र और किसान सहकारी समितियों पर यूरिया और डीएपी के साथ किसानों को नैनो यूरिया और डीएपी भी दी जा रही है, जिसको किसान इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दी जा रही है। किसान यूनियन ने इसको रोकने की मांग की है। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या को लेकर शाहजहांपुर में गहलोत सरकार का पुतला फूंका गया और चौराहा जाम किया गया। शाहजहांपुर राजपूत करनी सेना ने गहलोत सरकार को हत्यारी सरकार बताते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राजपूत करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता सदर बाजार क्षेत्र के खिरनीबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। राजपूत करनी सेना ने चौराहा जाम करके राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गहलोत सरकार का पुतला भी फूंका। राजपूत करनी सेना का कहना है कि राजस्थान में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गेगामणि की हत्या में राजस्थान गहलोत सरकार की साजिश है, क्योंकि सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार ने अनदेखा कर दिया था, जिसको लेकर कल उनकी हत्या कर दी गई। राजपूत करनी सेना ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग की है। परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में किया गया था। यहां गोष्ठी को संबोधित करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर गरीब और वंचितों के मसीहा थे, जिन्होंने जिंदगी भर जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए समाज को कानूनी तौर पर भेदभाव से मुक्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शाहजहांपुर एसओजी और तिलहर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलो से ज़्यादा अफीम बरामद हुई है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,00,000 रुपये की जा रही है। पुलिस ने तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। पुआया में बाइक अनियंत्रित होकर चाय के ठेले से जा टकराई। पूरा मामला कोतवाली गेट के पास का है। यहां मोहल्ला तरती बाजार का रहने वाला अजय सिंह चाय का ठेला लगाता है। इसी दौरान राजीव चौक की ओर से आ रहे रामू ने बाइक से नियंत्रण खो दिया और बाइक अनियंत्रित होकर चाय के ठेले से जा टकराई। बाइक ठेले से टकराने के बाद ठेले पर रखा हुआ सामान जमीन पर जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं चाय बेचने वाले युवक ने बाइक सवार युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तिलहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शशि भूषण द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के कार्य और विचारों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय, समरसता, राष्ट्र निर्माण और जातिवाद उन्मूलन से संबंधित आदर्शों का अनुशीलन करने का डॉक्टर अंबेडकर ने आह्वान किया था। सिंधौली थाना क्षेत्र के लधौली गांव के रहने वाले 30 वर्षीय बिरजू लाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक शराब का आदी था और उसने कमरा बंद कर अंदर से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और सर्वोदय किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर प्रेमशंकर गंगवार को यशस्वी किसान सम्मान से नवाजा गया है। आपको बता दें कि दैनिक जागरण द्वारा यशस्वी किसान सम्मान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। यहां कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका और सामाजिक उत्थान में सराहनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर गंगवार को सम्मानित किया गया है। जीएफ कॉलेज छात्रावास में रहने वाले छात्राओं ने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया।
छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर डॉक्टर डी आर वर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य, छात्रावास प्रतिनिधि सुशील कुमार, संयोजक रजनीश कुमार, प्रियदर्शी और व्यवस्थापक विजय मस्ताना सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत शाहजहांपुर में गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना की गई है। ददरौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत अकर्रा रसूलपुर में जिला प्रोविजन अधिकारी गौरव मिश्रा के निर्देशन में बालिकाओं और महिलाओं के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना की गई। आंगनबाड़ी केंद्र पर गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना करते हुए बताया गया कि इस बोर्ड को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लिंगानुपात को कम कैसे किया जाए। आपको बता दें कि यह मुहिम महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। कोलाघाट के रामगंगा नदी पर दूसरा पैंटून पुल बनकर तैयार कर दिया गया है। पैंटून पुल से आवागमन भी शुरू हो गया है। पैंटून पुल बनने से राहगीरों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि मिर्जापुर क्षेत्र के रामगंगा नदी के कोलाघाट पर पुल का एक बड़ा हिस्सा ढहने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पैंटून पुल बनाया गया था। पैंटून पुल पर ट्रैफिक ज़्यादा रहने की वजह से अब पैंटून पुल की संख्या को बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। अब ऐसे में जाम की समस्या नहीं रहेगी। थाना पोया पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोर का नाम साकिर बताया जा रहा है। साकिर सिंधौली थाना क्षेत्र के कोरोकुइया गांव का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि साकिर ने 3 दिसंबर को पोया के राजा मार्केट में बाजार में खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा लिया था। फिलहाल पुलिस ने अब गिरफ्तार किए गए चोर को जेल भेज दिया है और मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया है। मथुरा में आयोजित हुई राज्य स्तरीय डांस प्रतियोगिता में शाहजहांपुर की परिधि मिश्रा ने पहला स्थान हासिल किया है। परिधि मिश्रा शाहजहांपुर के ऑल सेंट्स स्कूल की छात्रा है। प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने के बाद शाहजहांपुर पहुंची परिधि मिश्रा को स्कूल में भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य साक्षी रस्तोगी ने परिधि और उनकी माँ को सम्मानित किया। आज शाहजहांपुर जिला जेल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन HDFC बैंक टाउन हॉल शाखा और BN बहल मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया था। इस दौरान आह्वान किया गया कि समय समय पर हर स्वस्थ महिला और पुरुष को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान है। आपके द्वारा किया गया रक्त किसी की जान बचा सकता है। समाजवादी पार्टी द्वारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर किया गया था। यहां सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्लागंज पुलिस ने मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 दिसंबर को कनारी बांक गांव के रहने वाले अमित सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने कनारी बांक के रहने वाले जितेंद्र और उसकी पत्नी के खिलाफ धारा 424, 323, 324 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित चल रहे अभियुक्त जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से आरी और ब्लेड भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों ने गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे। जिलाधिकारी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विलक्षण बुद्धि के बेहद प्रतिभावान व्यक्ति थे। आधुनिक भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे।